सपोज आपके 15 मार्च को लास्ट एलएमपी का फर्स्ट डे रहा हो, जब आप 9 महीने इसमें ऐड कर दी हैं, तो ये हो जाते हैं 15 दिसंबर। महिलाओं को खुद से कैसे अपनी ईडीडी को कैलकुलेट करना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल महिलाओं में बना रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे इस पेज में नए हैं तो इस पेज को फॉलो करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में एक नई वीडियो के साथ। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जब महिलाएं फर्स्ट टाइम डॉक्टर विजिट पे जाती हैं तो डॉक्टर द्वारा उन्हें एक एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट दी जाती है, जिसे कि ईडीडी कहा जाता है, कि फलां डेट में आपका बेबी डिलीवर होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हों तो उस टाइम पे आपकी जो लास्ट पीरियड है उसका फर्स्ट डे क्या है, ये आपको रिकॉर्ड कर लेना है, याद रखना है, क्योंकि यही जो डेट होती है यही डेट आपको आगे चल के आपकी ईडीडी कैलकुलेट करने में मदद करती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका लास्ट एलएमपी होता है, जैसे कि सपोज़ आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे 7 जनवरी को रहा हो, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ इसमें 9 महीने जोड़ लेने हैं और उसके बाद आपको इसमें 7 दिन और जोड़ने हैं, यानी कि 9 महीने 7 दिन आपको अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से जोड़ लेने हैं। तो 7 जनवरी को अगर आपके पीरियड्स आए हों तो 7 जनवरी से लेके अगर आप 9 महीने जोड़ेंगे तो ये 7 अक्टूबर हो जाएगा, और इसमें अगर आप 7 दिन और जोड़ेंगे तो 14 अक्टूबर, यानी कि 14 अक्टूबर को आपकी ईडीडी मानी जाएगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपके 15 मार्च को लास्ट एलएमपी का फर्स्ट डे रहा हो, जब आप 9 महीने इसमें ऐड कर दी हैं तो ये हो जाते हैं 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर में आपको फिर से 7 दिन जोड़ लेने हैं, तो 15 दिसंबर में जब आप 7 दिन जोड़ेंगे तो ये पूरे हो जाएंगे 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को आपकी अनुमानित डिलीवरी डेट होगी, इस डेट पे आपका बेबी डिलीवर हो सकता है। तो दोस्तों ये एक अनुमानित तिथि होती है और इसका कैलकुलेशन पूरे 40 हफ्ते के अनुसार किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले या बाद में भी आपको डिलीवरी हो सकती है, तो आपको सिर्फ इस टाइम पे बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है, मानसिक रूप से सतर्क हो जाना है, सचेत हो जाना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो में फ्लैश हो रही है, आप इस आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप पहली बार मेरे पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।